हे राजा, असली मर्द कौन होता है? वो नहीं जो गुंडों की तरह रास्ते पर लड़ाई करता फिरता है। मर्द तो वो होता है जो अपनी पत्नी को बहुत खुश रखता है, जैसे मैं अपनी बीवी को रखता हूँ। उधर देख, एक ही माला चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसके लिए तू मरने के लिए भी तैयार हो जाए। जा जा, अपनी मर्दानगी दिखा के अपने प्यार के जाल में फंसा लो उसे। हाँ, मेरा शेर चला है अपने शिकार को। ए, उनकी बात तो मत आओ, वो सिर्फ तुझे भड़का रहे हैं। मेरी बात मान। अरे जीत के आना। चलिए दादाजी, आप जरा साइड हो जाइए, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। आप तकलीफ क्यों लेते हो? क्या बेचारा। सुबह से तेरे एरिया में मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, तेरे नीचे काम क्यों करूँ मैं? अच्छा, इसमें क्या नई बात है रे? ये तो तू पिछले 15 साल से कर रहा है। मैं तेरे साथ बैठ के खाना खाना चाहता था, और तू है कि मुझ पे चिल्ला रहा है। पहले बोलना था ना। लाओ दो, ये ले, जितना खाना है खा ले। हाँ ला। अपने आप को ऑटो ड्राइवर बताकर शादी करके सेटल हो गया है। हाँ, जैसे तूने अपनी असलियत बता दी अपनी बीबी को। मैंने अपनी फैमिली को गांव में अच्छे से सेटल कर दिया है, पर तू और तेरी पत्नी यही रहते हैं। कभी किसी चीज में फंस गया तो लफड़ा हो जाएगा, याद रखना। तू ये क्या बात कर रहा है? तू जानता भी है कुछ? प्यार करके उससे शादी की है, बेकार की बात करता है तू। अरे ठीक है, इतना प्यार मत कर, भारी पड़ेगा। अपने साले को कंट्रोल कर, बहुत सियाना बनता है वो। उसी दिन मार दिया होता मैंने उसे। अगर नहीं सुधरा ना तो मेरे हाथों मरेगा। ए, तेरा थोबड़ा लाल हो गया था उसे मार खाकर। बात करता है, इसीलिए मैंने तुझे उससे बचाया। हैं? बड़ी बड़ी बात करता है। काट दूंगा उसे, कसम खा के बोल रहा हूँ। ए, पागल है क्या? ऐसा होता है कहीं? अगर मुझ पे कोई हाथ उठाएगा तो तू अपने दोस्त को बचाएगा नहीं क्या? ए, छोटा मोटा गुंडा है वो, है जैसा है जाने दे। कौन है? जूनियर काका। हेलो। हाँ सरवन भाई। हाँ पहुँचता हूँ भाई। पैसे लिए हुए 6 महीने हो गए और इंटरेस्ट भी नहीं देता था। जब भी पैसे लेने हम इसके घर पे जाते थे, घर पे कोई नहीं मिलता था। क्यों रे? जब पैसे चाहिए थे तो मेरे पीछे घूमता था। ऐसी बात नहीं है भाई, पिछले 2 महीने से मेरा काम ठीक नहीं चल रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भागना पड़ता है। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ, उस दिन शाम तक इंतजार करूंगा। तब तक तेरे पास टाइम है, अरेंज कर ले। ए, लड़की को गोदाम में डाल दे। ये क्या है भाई? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ भी करके पैसे लौटा दूंगा। भाई प्लीज रोकिए इनको, मत करिए ऐसा। मैं कुछ भी करके 6 बजे से पहले पैसे लौटा दूंगा। तूने भी तो मेरे लड़कों को पैसे के लिए भगाया, सोच मुझे उस वक्त कैसा लगा। कसम खाता हूं, पैसे लौटा दूंगा। पैसे लौटा देना, फिर बेटी को ले जाना। शंकर, इसे ले जाके ऑटो में बैठा दे और इसके ऊपर नजर रख। जब तक ये पैसे नहीं लौटाता है तब तक इसकी बेटी हमारे गोडाउन में ही रहेगी। पैसे लौटा दूंगा, आप मत ऐसा कीजिए। समझाओ ना भाई, समझाओ ना भाई को। भाई याद रखना, सिर्फ 2 दिनों की ही मोहलत दी है। चार घंटे मिलकर मेरी जवान बेटी को उठा कर ले गए। अम्मा, किसको गुंडा कह रही हो तुम? पैसे लेते समय नहीं सोचा तुमने? आपने तकलीफ नहीं समझा। हाँ, पैसे उधार लेते समय ध्यान नहीं रहता। यहाँ पर रुक दो। मैं समझ गई हूँ, मेरी बेटी अब जिंदा वापस नहीं आएगी।
तुम्हारा घर, जाओ जाओ। आप रुकिए, मैं अभी आया। हाँ, फिर से मेरी जान खाने आ जाएंगे। भैया बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्होंने कुछ कर तो नहीं लिया होगा। आप चलिए, आइए आइए, आओ आओ। अरे क्या कर रहे हो तुम, नीचे उतरो, हटाओ इसे। क्या कर रहे हैं बेवकूफ। तो बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास से 80,000 है और उसे 5,00,000 दे रहे, वो भी 6 बजे तक। कहां से इंतजाम करूंगा मैं, अपनी बेटी को वापस कैसे लेकर आऊंगा। अच्छा ये सब करके अपने पूरे परिवार को बीच रास्ते में छोड़कर हैं? आपको क्या लगता है वो सुबह से दूसरों से पैसे उधार लेने गए थे, वो अपने पैसे मांगने गए थे। मैं उनको हमेशा समझाती रही पर इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, और इसी वजह से हमारी बेटी मुसीबत में है। हम करें भी तो क्या करें? एक घर चलाना इतना मुश्किल होता है क्या है? एक घर चलाना कितना मुश्किल होता है तुम्हें क्या पता, तुम तो गुंडागर्दी करके पैसे कमा लेते हो। गरीब आदमी से पूछो कि वो पैसा कैसे कमाता है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी सब समझ में आता है, समझे क्या? अच्छा सुनो, मैं 2 दिन का टाइम मांगता हूँ, तब तक इंतजाम कर लोगे? हाँ ये कर देंगे तब तक। ठीक है चलो। ऐसा लाए क्या? बेटी श्वेता, रुक बताता हूँ। तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? अरे मैं यहीं हूँ, बाय। उधर है, देख लिया ना, मिल गया ना पैसे। यही काम तूने पहले ही कर दिया होता, बेकार में मुझे विलन बनना पड़ा। सीधे से तो बात समझ में नहीं आती है, बच्ची को लो और घर जाओ। और सुनो, बात को मन में मत रखना। शेखर भाई, इन्हें जरूरत पड़े तो पैसे दे देना। मेरे पास अभी सिर्फ 80,000 है। ए, मैं पागल दिख रहा हूँ क्या? मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, बाकी पैसे लौटा दूंगा। जब पैसे देना तो बेटी को लेके जाना। भाई ऐसा मत करो, 2 दिन का टाइम दे दो भाई। भाई हमें सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, हम कुछ भी करके पैसे लौटा देंगे। जब मैं बात करता हूँ तो बीच में मत बोला करो, पहले अपने पति को समझाओ फिर मुझसे बात करना। भाई हमारा विश्वास कर लीजिए, 2 दिन में दे देंगे ना पैसे, वो कैसे तेरी इतनी हिम्मत? तूने एक औरत पे हाथ उठाया, समझ में नहीं आता? अरे तू छोड़ ना, अरे तू दूर हट। सुबह से वो सबके घर में जाकर पैसों के लिए पैर पड़ रहा है। पागल हो गया क्या तू, ऐसे करेगा? अरे वो भाग जाएगा क्या? जब पैसे नहीं लौटाने की बात कर रहा है, तब से एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा भाई को। दूर हट, अगर तूने उन्हें कुछ किया तो मैं तेरा गला काट दूंगा। वो खुद खुशी कर रहा था, मैंने कहा भाई टाइम देगा, कहीं भाग जाएंगे ये लोग। समझते नहीं, एक मर्द होके औरत पे हाथ उठाता है समझता नहीं, और तुम लोग खड़े होके देखते रहते हो कायरों की तरह। जानवर लड़की को ढाल बनाकर वसूली करता है, जानवर कहीं का। जब ये छोटा था तो मैं इसे गोद में लेके घुमाता था। ए, उनको घर जाने दो, 2 दिन में पैसे लौटा देंगे वो लोग। ए, उनको घर जाने दो। मैंने कहा उनको घर जाने दो। अरे क्या कर रहा है तू यार, जाकर सरोज से माफी मांग, जा जाना। ए, भाई मैं सुबह से उनको परेशान देख रहा था ना, इसलिए मुझे बुरा लगा और इसलिए मेरा हाथ उठ गया तुम पर। ए माफ कर दो ना। ए तू भाई को बोलना माफ करने के लिए। तुझे पता है जब मेरे पापा पैसे उधार देते हैं तो कुछ भी करके वसूलते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ उसकी बच्ची को इसलिए उठाया था कि वो कुछ भी करके मेरे पैसे देते। जैसे तुम सब पे दया करते हो ना, वैसे ही मैं भी करता हूँ। पैसे वसूल करना ठीक तरीके से होना चाहिए, ये आज तूने मुझे सिखाया। ऐसी बात नहीं है भाई। ए, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ सरवण। ए सुनना सरवण, औरत को तकलीफ देता हूँ तो तुझे तकलीफ होती है ना? ए, तुम मुझे गलत समझ रहे हो सरवण, मैंने ऐसा नहीं कहा। किसी औरत पे हाथ उठाऊंगा तो तुझे मारेगा। भाई तुमने मुझे गलत ले लिया सरवण। अगर मैं किसी औरत पे हाथ उठाता हूँ तो मुझ पे हाथ उठाएगा। तूने मुझ पे हाथ उठाया ना क्योंकि तुझसे उनकी तकलीफ नहीं देखी गई। ए, इसकी बीवी को लेके आ। ए, इसकी बीवी को लेके आ। ए काशी, तू भी इसके साथ जा। मैडम, जी कहिए। आप शमुंगम की पत्नी है क्या? हाँ। आपके पति ने 2 महीने से ऑटो का हफ्ता नहीं दिया है तो उनको ऑफिस में ही रोक रखा है, आप चल के गारंटी देके उन्हें छुड़ा लाइए।
एक मिनट मैडम, उन लोगों ने फोन स्विच ऑफ कर दिया होगा। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को फोन कर रही हूँ। देखिए, आप जितनी जल्दी चलेंगे काम उतनी जल्दी खत्म होगा, हमें भी लेट हो रहा है। ठीक है। घर चलते हैं। तो ये गुंडा नहीं है? मेरे पति तो साधारण सा ऑटो ड्राइवर है। आप लोगों ने इन्हें कोई और समझकर मार दिया है। कितना मारा है आप लोगों ने देखी तो जरा। अच्छा, तो मैंने गलत इंसान को मार दिया। तो तुम्हें लगता है ये गुंडा नहीं है? नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है। आपने गलत इंसान को मारा है। मैं तुझे बताता हूँ कि ये कौन है। जैसे मेरी ये सब आदमी है ना, मेरे आदमियों में से ये भी एक है। ये कोई ऑटो ड्राइवर नहीं है, मेरा पाला हुआ एक गुंडा है, और इसे तो गुस्सा भी आता है। गुंडा है ना, अपनी बीवी को बता कि तू गुंडा है। अच्छा गुंडा है, इसे गुस्सा भी बहुत आता है। बता, वैसे मैंने एक औरत को मारा तो तुझे गुस्सा आ गया? सबके सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा ना, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तेरी सजा सिर्फ आओ। मैंने तुम लोगों में से एक आदमी को मार डाला, क्या तुम लोगों का मन कर रहा है मुझे मारने का? अरे कोई मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो काट डालूंगा उसे। इसने मुझ पे हाथ उठाया था ना, आंख खोल के हश्र देख लो इसका। जो भी ऐसा करेगा उसका हाल ऐसा ही करूंगा। पता इसे जान से क्यों मार डाला? क्योंकि ये सर्वनाम 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 बार बार मेरा नाम लेता था। क्या तुम लोग मेरे बाप का भी नाम लेते हो? नाम लेते हो? नाम लेते हो? नाम लेते हो क्या? नहीं लेते हो ना? मुझे कोई नाम लेके बुलाए पसंद नहीं। ए, जो मुझे भाई कह के नहीं बुलाएगा उसका अंत ऐसा ही होगा। इसकी लाश को उठाओ और समुद्र में फेंक दो।
अगर मुझ पर गुस्सा था तो मुझे मारता, मेरी दीदी और जीजा को क्यों मारा? क्यों मारा तूने उनको? बोल क्यों मारा? तू अपने जीजू को कितने सालों से जानता है? 3 सालों से ना, सिर्फ 3 सालों से ना। लेकिन वो 25 सालों से मेरा दोस्त था, समझ गए? तुझे लगता है कि वो सिर्फ ऑटो ड्राइवर था ना? वो काका बनी के लिए ब्याज के पैसे इकट्ठा करता था मेरी तरह, समझ गए? गुंडा था वो, तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? कल मेरी आंखों के सामने जो हुआ मैं कैसे कैसे बताऊं तुझे मैं? गलत काम करने में वो सबसे आगे निकल गया था। मार दिया जाता तो बुरा नहीं लगता, लेकिन एक अच्छा काम किया था उसने, उस वजह से मारा गया। मानता हूँ कि मेरा जीजू बुरा इंसान था, उनको उनके पापों की सजा मिल गई, लेकिन मेरी दीदी ने क्या किया था? हम दोनों छोटे थे तभी से हमारे माता पिता खो गए। उसने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। दीदी का हाथ कट जाता था जब वो फूलों का हार बनाती, पूरी रात खून निकलता और वो दर्द से रोती रहती थी अपने गम छुपा कर। लेकिन मुझे उसने कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अभी सब खत्म, लेकिन मुझे खुशी है कि दोनों एक साथ चले गए। अपनी बहन को ये सब अकेले सहन करते हुए मैं कभी देख नहीं पाता, मुझे पता है। आपको उन लोगों से बदला लेना है ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बदला लूंगा। बोलो, तुम ये काम यहाँ नहीं कर सकते। तुम्हें उस एरिया में जाना होगा, कोई दोस्त बनाना होगा, उसे जानना होगा और वहीं रहना होगा तुम्हें, ताकि तुम उसके बारे में सब कुछ जान सको। काका मनी और सरवन ब्याज पर पैसे देते और पैसे लेते समय प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं तुम्हारे लिए पूरा प्लान बनाऊंगा कि तुम्हें उनके साथ कैसे जुड़ना है। इन लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ? यहाँ ये आप लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लीजिए, सफेद शर्ट खाकी पैंट, जहाँ कहूँगा वहाँ पेट्रोलिंग करनी है। अभी जाइए आप लोग। अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा, जो भी बातें होंगी फोन पर होंगी, ठीक है? एक साल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है, तो मैं सिर्फ घर में बैठा रहा। जब गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया तब मैं शेखर भाई ने जैसे बताया वैसी जगह पर आने को तैयार हो गया। मैं यहाँ आ भी नहीं पा रहा था, फिर मैंने तुम्हारे भाई को देखा जो अपना एक छोटा सा ग्रुप चला रहा था। मैं उसकी हरकतें समझने लगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था तो उसने हर तरफ से मेरी मदद की। मैंने उसे अपने बारे में झूठ बताया, हम दोनों दोस्त बने। फिर मैंने श्रवण के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने काशी को हार्बर के पास देखा, शेखर भाई ने बताया था कि उसने मेरी दीदी को पानी में फेंक दिया था। उसे देखते ही जो गुस्सा मैंने मेरे अंदर दबा कर रखा था वो आखिर में बाहर आ गया। मैंने तुम्हारे भाई के सामने उसे मारा। श्रवण को ये बात पता चली और उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। हेलो, हाँ बोलो भाई। तुम्हें किस बात की जल्दी है? सब कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने कहा था उसे मारना नहीं, सरवन अब खुद आया तुम्हें मारने के लिए। साले देखो, बोलेरो में मैं कहता था कि सरवन से दोस्ती करो तब उसे मारो, लेकिन तुमने जल्दी कर दी। अब भागो वहाँ से। अगर नहीं भाग सकते तो माफी मांग लो, वरना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाकी का मैं देख लूंगा। मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को घर वापस जाने के लिए कहा था, उसके बाद मैंने श्रवण को मारा। वहीं पर मार देता, पर उसके लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को मेरे साथ देख लिया, और मैं नहीं चाहता था कि तुम और तुम्हारा भाई इसमें फंसे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। बोट के रेस का फायदा उठाकर मैं उसका दोस्त बन गया, और साथ ही साथ उसके बाप काका मनी का भी विश्वास मैंने जीत लिया। एक दिन श्रवण खुद अपने लोगों के बीच फंस गया था। ए, उसके आदमी उसको मारना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो? हेलो, उसे तो मैं ही मारूंगा। आप उसके सामने पुलिस बने हो ना, आप वहां जाइए और ऐसा माहौल बनाइए कि वो यहां आ सके। अगर हम अलर्ट ना होते तो उन लोगों ने श्रवण को मार दिया होता। मैंने उसे अपने आदमियों की मदद से बचा लिया और उसे यहाँ आने पर मजबूर किया। राजा, मैंने सर्वानंद को तुम्हारे एरिया में डाइवर्ट कर दिया है, बाकी काम तुम्हारा है। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारा भाई वहाँ हो, लेकिन कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे उसके सामने ही मार दिया। मैं शनमुगम का साला हूँ, अगर ये बात काका मनी को पता चल गई तो सबके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वहीं रहकर मैंने अच्छा बनने की कोशिश की। दीदी की मौत के बाद मेरी दुनिया में अंधेरा छा गया था, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे भाई को देखने के बाद मुझे मेरे दीदी के साथ बिताए हुए पल मुझे याद आने लगे। मैं तुम्हें तब से चाहने लगा, मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं तुमसे कब प्यार करने लगा। अभी मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें बता दी और मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगी। ए, गाड़ी रोको, कहीं भी रास्ते में उतर जाते हैं, ये क्या बात हुई? अब देख मैं तेरा क्या करता हूं। ए, गाड़ी निकालो रे। ठीक है, हम जाते हैं। ए, रुक रुक रुक, कहां जा रहा है? रुक।
गया। बाहर निकलो, बड़े आदमी हो तो नालायक बच्चा पैदा करके दूसरों को तकलीफ देने के लिए छोड़ दोगे? बाहर निकलो, अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, तुम पहले अच्छे बाप बनना सीखो। ए, कैसा बदतमीज इंसान है, कहाँ से आया? अरे वाह, राजा नाम के आवारा लड़के को तुमने पैदा किया है ना, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूँ? पढ़ा लिखा दिया बस हो गया, संस्कार भी सिखाने चाहिए ना? राजा सिर्फ हमारे घर का ड्राइवर था। तुम अपने आप को बाप कहते हो, जब बेटा आवारा निकल गया तो तुम उसे ड्राइवर कहते हो? कैसे बेशर्म बाप हो तुम, तुम जैसे बेशर्म लोगों को तो। क्या हुआ? मैं तब से सुन रहा हूँ जो मुंह में आए बके जा रहे हो, धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा समझे? वो यही मंदिर के पास फूल बेचा करता था, जाके पूछ लो, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आइए सर, आइए आइए, फूल लीजिए सर, फूल लेकर जाइए सर आइए, आप राजा के फ्रेंड हो ना, आइए ना लेके जाइए। यहाँ थोड़ी देर में राजा आने वाला है, ये हार उसी पर चढ़ा देना, जब मेरी अर्थी निकलेगी उस पर भी फूल चढ़ा देना। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे राजा ने MBA कहाँ से किया है? MBA क्या होता है? वो कभी स्कूल भी नहीं गया, क्या सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, काम करने दो मुझे, जाओ तुम यहाँ से। वो स्कूल भी नहीं गया, नर्सरी के बच्चे जैसा उसने कहा कि वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है, और मैं बेवकूफ समझ नहीं पाया। अरे यहाँ से हमें कहाँ जाना है? शमशान जाना है, चल निकल कालिया कहीं का। तू यहाँ अकेले आ गया, वो कहाँ है? उसने जो भी देखा ऐसा लग रहा है जैसे भूत देख लिया, वो हमें शमशान जाने को कह रहा है। वो तो बड़ा आसान काम है। वो तो सम्मुखम का ऑटो लग रहा है। ए, ये तो सम्मुखम का ही ऑटो है। ए, यही उसका घर है क्या? इस एरिया में कब से रहने लगा? भाई अचानक से क्यों आ गए? आगे से काका मनी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, चलो मेरे साथ। भाई राजा आ गया। भाई नमस्ते। भाई मैंने तुझे अपने बेटे के हत्यारे को ढूंढने को कहा था, और उसी समय शंकर को भी ये काम दिया था। इसके इंस्पेक्टर भाई को पैसे नहीं लौटाने के कारण सर्वानंद ने मार दिया था। अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए इसने दो बार सर्वानंद को मारने की कोशिश की, पर सर्वानंद बच गया। लेकिन जब एक बार फिर सर्वानंद ने पुलिस वाले को मारा, यही वो इंसान था जिसने चाकू घोंप कर मेरे बेटे को मार दिया। मैं इसे सबकी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ। इसकी इतनी हिम्मत! तूने मेरे बेटे को मारा? भाई हमें तो उसी दिन पता चल गया था इसके बारे में, जब इसने हमारे जॉनी भाई को मारा था, तब इसने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। हमें पूरा सच नहीं पता था, इसलिए नहीं बता पाया आपको। हमने इसे मारने के बारे में भी सोचा था। भाई ये कौन है? सर्वानंद को इसी ने मारा था। भाई उसने नहीं, इसने मारा, इसने आपके बेटे को मारा और हमें डरा कर रखा। वीरा ये तो क्या बोल रहा है? ए, वो फोटो दिखा, ये देखिए भाई, सरवन भाई ने सम्मुखम को मारा था, इसीलिए इसने प्लान करके आपके बेटे को खत्म कर दिया। धोखेबाज, मेरा भरोसा जीत कर तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तेरे बेटे को मारा और अब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तेरे बेटे ने मेरी दीदी को मारा बिना किसी वजह के, तो मैंने भी तेरे बेटे को मार दिया उसके पहले कि ये लोग मारते थे। ये झूठ बोल रहा है भाई, सच कह रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है। ए, इसकी बात मत सुनो भाई। बता दो भाई। भाई ये नाटक कर रहा है भाई। ए वीरा।
हम ग्रुप बनाकर बस स्टैंड के पास खड़े थे ना सरवन को मारने के लिए, इसने नकली पुलिस भेज कर तुझे डाइवर्ट कर दिया, फिर सरवन अकेले उस तरफ भागने पर मजबूर हो गया ताकि ये उसे मार सके। वो राजा ही था ना, राजा ही था ना। क्या बोल रहा है तू, ये सब तुझे कैसे पता? मेरे लिए स्केच बनाने वाले यही तो थे। तेरे बेटे ने तेरे दोस्त को मारा और तुझे लगा कि मैं शांत रहूंगा? हाँ, मैंने तेरे बेटे को मारा उसके साले की मदद लेकर। जब तेरे सामने कोई धमकी देता है तो तू उसे कबड्डी 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 स्टाइल में खत्म कर देता है। ए मेरा, क्योंकि सरवन ने तेरे दोस्त को मारा था तो तूने ग्रुप बनाकर सरवन को मारने की कोशिश की थी ना? वो मेरा दोस्त था। अरे, हम दोनों एक दूसरे को 25 सालों से जानते थे। मेरी आंखों के सामने सरवन ने उसे मार दिया। तब से मैं समय का इंतजार कर रहा था, जानता था मेरा समय आएगा। मैंने प्लान किया, राजा ने पूरा किया उसे। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तू? राजा मार दे इसे, वरना ये तुझे मार देगा। अभी भी मैं सिर्फ आपको बचाने के लिए इसे मार रहा हूं। गुंडा बनकर क्या हासिल कर लिया आपने? आपके दोस्त ने मेरे दीदी से झूठ बोलकर उसे शादी कर ली। वो अभी नहीं रहे, एक साधारण ऑटो ड्राइवर ही अच्छे थे ना। एक गुंडे को ना ही अच्छी पत्नी मिल सकती है और ना ही उसके बच्चे को स्कूल में पढ़ाई। आप कभी गर्व से अपना सर ऊंचा नहीं कर सकते तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों? किसी और का गिरेबान पकड़ने से तो अच्छा है कि हम मेहनत से काम करें और इज्जत से किसी के पैर छुए। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। अगर कोई शांत है तो उसे निकम्मा या बुजदिल समझ कर मारो मत। उसे सिर्फ गुस्सा नहीं आता होगा, आप लोगों ने देख लिया ना, एक फूल बेचने वाले का गुस्सा। अरे चाकू लीजिए हाथ में और मछली को काटिए ना, लकड़ी लीजिए और बोट चलाइए। किसी और को मारने से क्या फायदा, कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। भाई मैंने तो उसे छोड़ दिया है, पर अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो आप में से किसी को नहीं छोड़ेगा।